हाय, मैं प्रीति। तो आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो मैं आज चौचड़ी बना रही हूँ। तो चौचड़ी के लिए मैं सबसे पहले ली हूँ, ये पटल है कट किया हुआ, और ये मूली है, और ये आलू है, और ये है फूलगोभी का डंटी वगैरह जो होता है, पत्ता वगैरह वो, और बैंगन है और टमाटर है, और ये है फोड़न के लिए लहसुन और पचफोड़न और थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो चले हम लोग बनाते हैं साथ में। तो सबसे पहले मैं फ़ोरन में दे रही हूँ ये लहसुन और पचफोरन, सरसों तेल में बना रहे हैं। अब ये सारा कटी हुई सब्जी चली जाएंगे इसमें। तो ये सारा सब्जी हम फ्राई कर रहे हैं। ये है बंगाली चौचौड़ी फूलगोभी का डंटी का, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम ढक दे रहे हैं। और इधर हम सरसों ली हूँ, तो एक मिनट चल, और सरसों हम थोड़ा सा हल्दी दे रहे हैं। सब चले, पूरा चले, बढ़िया। एक मिनट दूंगे, पूरा बढ़िया। अब ये हो गया, एक डेढ़ मिनट हो गया। ये सरसों पीस रहे हैं। ताको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है बताइए। अब देखिए मेरा ये हल्का सा फ्राई हो गया है, बहुत सुंदर टेंट आ रहा है। दोस्तों आप लोग बना कर एक बार जरूर बंगाली चौचौड़ी बना कर खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, चीनी। बंगाली रेसिपी है तो चीनी तो बनता ही है देने के लिए। डाल दे रहे हैं, देखिए मैंने सरसों हम डाल दिए इसमें। अब इसको हल्का बहुत सुखाना है हमको, है एकदम ड्राई उतारना है। तो और 5 मिनट तक गर्म पकेगा इसको। इसी तरह छोड़ देते हैं ढककर, उसके बाद हम धनिया पत्ता डालकर उतार लेंगे। तो मेरा ये चौचौड़ी हो गया, अब इसमें धनिया पत्ता डालकर उतार देंगे। तो ये देखिए मेरा चौचौड़ी तैयार हो गया, फूलगोभी का डंटी का और बैंगन आलू लाल का सब बनाया है बंगाली चौचौड़ी। बहुत सुंदर सेंट आ रहा है, इसके साथ हम लोग चावल तो बहुत खा लेंगे। और क्या बोले, आप लोग भी बनाइए, ट्राई करें घर में। ओके, बाय, टाटा।